हेलो गाइस, वेलकम बैक टू मेडिकल वाला। मैं हूँ विजय गुजर और आपका मेडिकल वाला यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि आप लोगों को ऑलरेडी अब तो पता ही है किसे कौन सा कॉलेज मिला है, किसे आपकी पसंद का कॉलेज नहीं मिला, आप चाहते हैं वो अपग्रेड करें। बहुत सारे लोग ये मतलब इसको लेकर कन्फ्यूज है कि उन्हें अनरिजर्व कैटेगरी की सीट मिली है, ठीक है, क्योंकि वो OBC से या SC ST से, फिर अनरिजर्व क्यों मिली, उन्हें स्कॉलरशिप मिलेगी नहीं मिलेगी, बहुत सारे आप लोगों के दिमाग में क्वेश्चन घूम रहे होंगे। ठीक है, चलिए एक एक से हम बात करते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो जो नए चैनल पर या फिर पुराने भी है बट अभी तक इनको सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो यार, और वीडियो को लाइक ज़रूर करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि जब भी कोई इन्फॉर्मेटिव वीडियो डाले आप लोगों उसी टाइम नोटिफिकेशन मिल जाए। ओके, सो दोस्तों देखिए हम बात करते हैं। सबसे पहली चीज़ तो कि अनरिजर्व कैटेगरी की आपको सीट अलॉट हुई है, इसका क्या रीज़न है और क्या अब आपको स्कॉलरशिप मिलेगी या नहीं मिलेगी। ओके, सो पहली चीज़ तो ये है कि आपको अनरिजर्व कैटेगरी की सीट अलॉट क्यों हुई है, क्योंकि आप तो हो तो ABC कैटेगरी के, राइट। तो देखिए दोस्तों, आपको शायद रूल्स नहीं पता है कॉलेज अलॉट होने के, पहली चीज़ ये। दूसरी चीज़, आपको रूल्स जानना चाहिए। रूल्स क्या है? रूल्स ये है, सबसे पहले जो सीटें हैं वो कैटेगरी वाइज फील होगी, यानी जैसे OBC कैटेगरी तो OBC में पहले OBC की सब कैटेगरी उसमें फील होगी। जैसे सबसे पहले मतलब फिजिकली हैंडीकेप आ गया, सैनिक कोटा OBC आ गया, फिर फीमेल सीट आ गई OBC कैटेगरी की, ठीक है। तो इस तरीके से पहले वो सीटें फील होगी, उसके बाद में फिर जो OBC ओपन के स्टूडेंट हैं उन लोगों की सीट फील होगी। फिर दोस्तों, जब OBC की सीटें फुल हो जाती ना, उसके बाद अनरिजर्व की जो सीटें हैं वो ओवरऑल अनरिजर्व स्टूडेंट और OBC SC ST सभी स्टूडेंट ऊपर वाले जो बच गए ना, मतलब बचे हुए सारे अनरिजर्व में आ गए। अब अनरिजर्व में आ गए तो जिसके ज़्यादा नंबर है, चाहे अनरिजर्व के ज़्यादा हो चाहे OBC के ज़्यादा हो, उसे सीट अलॉट होगी। मान लीजिए 3 सीट बची है, ठीक है, और 3 सीट बची और 2 स्टूडेंट उसमें से OBC वाले हैं जिनके ज़्यादा नंबर हैं, जिन्हें मतलब सीट फुल होने के बाद भी OBC के बच्चे ज़्यादा रह गए, ज़्यादा मार्क्स वाले, तो जो 3 सीटें हैं ना अनरिजर्व की, वो उसमें से 2 सीटें OBC वाले कैंडिडेट को अलॉट होगी और 1 सीट अनरिजर्व वाले को होगी। तो अनरिजर्व में कुल मिलाकर ये नहीं देखा जाता कि वो अनरिजर्व कैटेगरी से है या फिर किसी पर्टिकुलर कैटेगरी से, वहाँ पर ये देखा जाता है कि उस किसके ज़्यादा मार्क्स है। और रही बात स्कॉलरशिप की, तो स्कॉलरशिप में आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि आप जो कैटेगरी से अप्लाई करे हो वही रहने वाले, जैसे OBC कैटेगरी उसमें आ रहा होगा, आपको एलोटेड कैटेगरी अनरिजर्व, बट आपकी जो पर्सनल कैटेगरी है वो OBC ही है, तो स्कॉलरशिप में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, इसका टेंशन मत लो, ठीक है। अब दोस्तों हम बात करें कि जिन्हें कॉलेज मिल गया है बट कॉलेज उन्हें अभी भी पसंद का नहीं मिला है तो वो अपग्रेड करना चाहते हैं। हो सकता है आपको फर्स्ट राउंड में जो मिला था वही सेकंड राउंड में भी अलॉट हुआ, आपका अपग्रेड सक्सेसफुल नहीं हुआ, मतलब आपका नोट अपग्रेड आ रहा है, ठीक है, आपको रिटर्न कॉलेज वही मिल गया, तो आप डबल सब अपग्रेड कर सकते हो या नहीं कर सकते हो, या फिर फ्रेश भी अलॉट हुआ है तो थर्ड में अपग्रेड कर सकते हो या नहीं कर सकते हो। इसका आंसर है बिल्कुल आप थर्ड राउंड में अपग्रेड कर सकते हो, ठीक है, आप सेकेंड से थर्ड में जा सकते हो। ओके, और अगर आपको आपकी पसंद का कॉलेज नहीं मिला तो बिल्कुल अपग्रेड करना भी चाहिए। और एक चीज़ तो ये भी यार कि इस बार कट ऑफ कितना हाई गया ये भी सबको पता होगा अब तक, ठीक है, फर्स्ट टाइम मेरा खुद का कट ऑफ भी फेल हुआ है। ओके, इसका रीज़न तो यही है यार कि कैंडिडेट ही इतने ज़्यादा है कि मतलब बोल ही नहीं पा रहे, कुछ एनालिसिस करने के बाद भी सब कुछ फेल हो रहा है, ठीक है। जैसे हम गुजराती कॉलेज की बात करें तो उसका एक्सपेक्टेशन तो बिल्कुल अब हो गया है, मतलब इतनी अभी तक इतना कट ऑफ कभी हाई नहीं गया गुजराती का, जो फर्स्ट टाइम इतना जा रहा है 234 नंबर OBC का गया है, ठीक है। लास्ट ईयर सेम सेकंड राउंड में 95 पर जस्ट क्वालिफाई स्कोर पे मिला, तो उसके बाद भी सीटें खाली रह गई थी, तो वही आप देख लीजिए कितना ज़्यादा मतलब स्टूडेंट आ रहे, कितने लोगों का होम्योपैथी की तरफ रुझान भी बढ़ रहा है। ओके, सो यार अब तो मैं यही कहूँगा, जिसे जो कॉलेज मिले थर्ड राउंड में वो ले लेना, जिन्हें अभी नहीं भी मिला है एक बार वो ट्राई करना चाहो तो गुजराती के लिए आप कर सकते हो, बट मैं यही कहूँगा कि अब वेट मत करना ज़्यादा ना, जो भी तुम्हें कॉलेज मिल रहा हो, अच्छा कॉलेज मिल रहा हो तो ले लेना। ओके, और गाइस आपके जो भी एक्स्ट्रा डाउट्स हैं आप कमेंट्स करिए, उसका मैं आंसर दूंगा। बाकी अपग्रेडेशन की, अगर आपको अपग्रेडेशन पे डबल से वीडियो चाहिए फिर से, तो आप कमेंट कर सकते हो, उसका वीडियो मैं फिर से अपलोड कर दूंगा, ठीक है। ठीक है दोस्तों, थैंक यू सो मच।